हेलो भाई, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं एडवाइस एडिक्ट यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं सुजुकी जिक्सर एसओ 155 सीसी के बारे में। गाइस ये वीडियो दो पार्ट में रहने वाली है। पहले वीडियो में मैं आपको इस बाइक के बारे में पूरा बता दूंगा, जैसे कि इसका माइलेज कितना है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है, टॉप स्पीड कितनी है और इस गाड़ी में खर्चा कितना आता है। सारी डिटेल्स मैं आपको इस बाइक के बारे में बताऊंगा और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, इस बाइक में अच्छा है और क्या क्या इस बाइक में बुरा है, आपको सारा जानने के लिए इस वीडियो में मिल जाएगा। और जो दूसरी वीडियो रहेगी गाइस वो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप एक स्पोर्ट्स बाइक सर्च कर रहे हैं, सेकंड हैंड बाइक लेना चाह रहे हैं, तो आपको अदर बाइक्स को इग्नोर करके यही बाइक क्यों लेनी चाहिए। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी और आपके जितने भी क्वेश्चन है सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है और आपको लगता है कि आपका जो क्वेश्चन था वो इस वीडियो में क्लियर नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा या आप हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है आपको नीचे शो हो रहा होगा उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे आप डायरेक्टली हमारे से क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी भी गाड़ी या किसी भी गैजेट से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन इन फ्यूचर भी आता है तो वहाँ पे आप हमें डायरेक्टली मैसेज करेंगे तो आपको इंस्टेंटली वहाँ पे रिप्लाई भी मिल जाएगा। तो गाइस चलिए इस वीडियो को भी शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं सुजुकी जिक्सर एसओ 155 के बारे में पूरा डिटेल में। फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं तो सामने से बाइक देखने से काफी अच्छी और प्यारी लगती है। फ्रंट से जो इसका जो लुक है वो GSX 1000 और सुजुकी हायाबुसा से थोड़ा थोड़ा इंस्पायर्ड लगता है। और आप देख भी सकते हैं कि जो इसके फ्रंट में आपको जो हेडलैम्प्स देंगे सुजुकी हायाबुसा जैसे ही लगते हैं, बिल्कुल सुजुकी हायाबुसा जैसे तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ उससे इंस्पायर्ड लगते हैं। और आप देख सकते हैं इसके जो हेडलैम्प्स इस टाइप के आपको इसमें हेडलैम्प्स मिलते हैं। ऊपर आपको हैलोजन बल्ब दिया गया है, नीचे आपको यहाँ पे एक छोटी सी लाइट दी गई है जो कि आप अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आप फ्रंट में इसका देखेंगे जो इसमें सस्पेंशन दिए गए काफी अच्छे लगते हैं। टेलीस्कोपिक आपको इसमें फ्रंट में सस्पेंशन दिए गए जो कि काफी प्यारे लग रहे हैं। और जो इसके जो शॉकर्स है गाइस आप देखेंगे तो काफी बड़े लगते हैं एज कम्पेयर टू अदर दूसरी 150cc बाइक, जैसे कि पल्सर वगैरह से अगर हम कंपेयर करें तो उसके बहुत पतले आते हैं लेकिन इसके काफी बड़े लगते हैं। इस टाइप का आपको इसमें मडगार्ड दिया गया है और जो टायर है इसमें आपको MRF का दिया जाता है फ्रंट एंड रियर दोनों में। और जो ग्रिप है इस टायर की काफी अच्छी है, दोनों ट्यूबलेस टायर आपको मिलते हैं। और जो इसकी टायर की जो प्रोफाइल है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, 180R17 इंचीज आपको इसमें दिया गया है व्हील। और इसका जो डिस्क ब्रेक है इस टाइप का आपको मिलता है, काफी अच्छी तरीके से वर्क करता है हाईवे पे। अगर आप हाई स्पीड पे भी गाड़ी को रोकते हैं तो काफी हेल्प करता है इस चीज में। और इस टाइप के आपको कैलिपर दिए गए हैं जो कि पूरे गोल्डन कलर में, तो एक अलग ही लुक इसको दे देते हैं। और इस टाइप की फ्रंट लुक आप देख सकते हैं, इसमें जो इंडिकेटर्स हैं वो दूसरे आते हैं बट मैंने मॉडिफाई करा है कि ये स्पोर्ट्स बाइक वाले लगवाए हुए हैं। यहाँ पे आपको जो ये पूरी जो रेड कलर की जो टेपिंग है ये कंपनी से ही मिलती है। इवन जो इसके व्हील्स हैं उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं जो रेड कलर की आपको टेपिंग है वो कंपनी से ही दी गई है। इसमें कुछ भी मैंने आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन नहीं कराया है बट हाँ अभी इन फ्यूचर में इसकी मॉडिफिकेशन कराने वाला हूँ। उसके बाद मूव कर लेते हैं इसकी साइड प्रोफाइल में, तो साइड में आपको इस टाइप का इसका पूरा जो इंजन के लिए गार्ड दिया गया है इस टाइप का पूरा प्लास्टिक का लगता है इसका। तो वाइजर नीचे तक इसकी पूरी फेयरिंग दी गई है और आप देख पाएंगे जो फेयरिंग है वो भी काफ़ी प्यारी लग रही है इसकी। और नीचे अगर देखेंगे इसमें आप सुजुकी का लोगो मिलता है इंजन के ऊपर। टोटल 5 गियर में ये बाइक आती है, 1 डाउन और 4 अप में रहती है। तो काफी अच्छे इसके जो गियर सस्पेंशन गियर मोड्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं। इसे मॉडिफाई कराए हैं, इसमें जो इंडिकेटर आते हैं वो भी मैं दिखा दूंगा कैसे आते हैं। पीछे वही इंडिकेटर इस बाइक में लगे हुए हैं। तो इस टाइप की गाड़ी की पूरी फेयरिंग रहती है, साइड लुक ये आता है। यहाँ पे आपको सुजुकी की ब्रांडिंग मिल जाती है, सुजुकी की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग दी गई है इसके ऊपर। और आप देख सकते हैं कि बाइक काफ़ी प्यारी और अल्टीमेट लग रही है। आपको इस बाइक का लुक मिल रहा है पूरा। और आपको जो साइलेंसर है इसमें ट्विन एग्जॉस्ट मिलता है जो कि काफ़ी प्यारा लगता है, एक स्पोर्ट्स बाइक की पूरी लुक देता है इसको। साइड में आपको यहाँ पे क्रोम भी दी गई है इसके अंदर। और जो इसका सस्पेंशन है आप देख सकते हैं, इसकी शॉकर है किस टाइप का, इसमें आपको सिंगल शॉकर मिलता है और काफ़ी कंफर्टेबल ये बाइक है। और 155cc में माइलेज वगैरह भी बहुत अच्छा इस बाइक का है। तो इस टाइप का रियर से लुक मिलता है इस बाइक में आपको जो कि काफ़ी अमेजिंग और प्यारा लगता है। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे नंबर प्लेट की लाइटिंग भी इसमें दी गई है। तो गाइस इस टाइप की आपको इंडिकेटर्स इस बाइक में फ्रंट में भी आए थे, जैसे कि आप रियर में देख रहे हैं ये इसके नॉर्मल इंडिकेटर, लेकिन फ्रंट में मैंने मॉडिफाई कराए हैं। तो गाइस मैंने सेकंड हैंड ये बाइक परचेज की थी और जो इसकी टेल लैंप है पूरी तरीके से LED है। और ये इसके जो सींग आप पीछे देख सकते हैं यमराज वाला लुक देता है, पीछे जो इसके सींग लगते हैं वो भी थोड़े थोड़े यमराज जैसे लगते हैं देखने में। और साइड से आप देखें तो गाड़ी कुछ ऐसी लगेगी। और जो इसका जो पीछे का टायर है गाइस वो भी बहुत ही अच्छा है, जो रियर टायर है काफ़ी चौड़ा है इसमें। आप देख सकते हैं मेरे हाथ के थ्रू अगर मैं करके दिखाऊं तो इतना मोटा इसमें टायर है। उसकी मैं आपको प्रोफाइल भी दिखा देता हूं, MRF का रेव टायर है और इसमें आपको 17 इंच का दिया गया है, 140/60R16 आपको इसमें जो है इसका टायर मिल रहा है। रेडियल टायर है पूरी तरीके से, बट काफ़ी दिन से बाइक खड़ी थी तो जो टायर है वो थोड़ा साइड से कटना शुरू हो गया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है और काफ़ी अच्छी इस बाइक की लुक रहती है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अल्टीमेट है। बहुत सारी मॉडिफिकेशन आप इसमें करा सकते हैं। और आप नेचर देखिए कितना अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे हो रखा है गाइस, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे बारिश रुक रही है, चल रही है, फिर से बारिश शुरू हो गई है, बीच में कुछ सेकंड्स के लिए रुकी थी। तो इसका जो इंजन स्पेसिफिकेशन 155cc का है, मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह की तो लगभग
4000 किलोमीटर इस बाइक की सर्विस होती है और 700 से 900 के बीच में इसका जो अमाउंट बनता है सर्विसिंग का, उसमें आपकी सारी कंप्लीट है मेजर सर्विस, जिसमें आपकी चेन क्लीनिंग हो गया, फिल्टर चेंज हो गया, इंजन ऑयल चेंज हो गया और वॉशिंग वगैरह सारा कुछ इंक्लूडेड है उस चीज़ के अंदर। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है कि बाइक की जो सर्विस है, अदर बाइक की क्या है गाइस 2000 किलोमीटर पर होती है, किसी किसी की 3000 पर भी होती है, बट इस बाइक की 4000 पर होती है। तो सर्विस कराने के लिए आपको एजेंसी एक ही बार विजिट करना होता है 4000 किलोमीटर में, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है अदर बाइक्स के मुकाबले। उसके बाद गाइस अगर आप देखें, इस बाइक को लेने के एडवांटेजेस यही हैं कि इस बाइक का जो इंजन है काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है और काफ़ी अच्छी बाइक का परफॉर्मेंस है। और टॉप स्पीड की अगर हम बात करें तो टॉप स्पीड लगभग इस बाइक की जो है, लगभग कंपनी क्लेम करती है 127 किलोमीटर पर आर, बट मैंने इस बाइक को, बिलीव मी, अकेला मैं था और मैंने इसको 138 किलोमीटर तक पहुँचाया है, तो लगभग काफ़ी अच्छी टॉप स्पीड है। लगभग 155 सीसी बाइक अगर 140 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रही है तो बहुत अच्छी बात है वो। और तीसरी चीज़ है गाइस, इस बाइक का जो स्टेबिलिटी है, हाई स्पीड पे भी बाइक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है और इवन जो इसका जो हैंडल है वो भी बिल्कुल शेक नहीं करता है। इवन 90 की स्पीड पे भी अगर आप इसका रिफाइनमेंट लेवल चेक करें तो मेरे पास पहले पल्सर 150 सीसी थी, वो 55 या 60 जाने के बाद हाथ में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन आती थी, लेकिन इस बाइक में ऐसा कुछ नहीं है। इस बाइक में लगभग आप अगर 90 किलोमीटर पर आर तक चल रहे हैं तब आपको कोई वाइब्रेशन नहीं होगी, उसके बाद भी अगर गाड़ी बाइक 110 या 120 जा रही है तब आपको हल्की सी वाइब्रेशन होगी पैरों में और हाथों में, बिल्कुल उतनी नहीं होगी जितनी पल्सर में होती है। जितनी पल्सर में 60 पे होती है उतना इसमें आपको 120 में वाइब्रेशन मिलेगी, तो वाइब्रेशन के हिसाब से बाइक में कोई वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं है। लेने के फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा हैं इस बाइक के और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे डिटेल में बता दूंगा इस बाइक के जो फ़ायदे हैं वो क्या क्या हैं और नुकसान क्या क्या हैं। कुछ नुकसान भी हैं इस बाइक में और कुछ फ़ायदे भी हैं, तो वो सब चीज़ आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने के लिए मिलेंगे। तो और कोई अगर आपका डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मैसेज करेंगे तो डायरेक्टली आपका जो रिप्लाई वहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।